हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आई मेकअप का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको अपनी आई लुक के हिसाब से किस तरह से आई शेडोज को प्लेस करना चाहिए और ब्लेंड करना चाहिए ताकि आप एक फ्लॉलेस आई लुक क्रिएट कर सकें। अगर आपको भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि ट्रांजिशन कलर कहाँ अप्लाई करना है, क्रीज में किस तरह से ब्लेंड करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, मैंने अपना बेस मेकअप कर लिया है, मेरी ब्राउज भी डन है। मैं अब आपको आई मेकअप दिखाऊंगी। गाइस, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको एक अच्छा आई लुक क्रिएट करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपनी आई शेप के बारे में जानिए कि आपकी आई शेप कैसी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आई शेप्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट इस वीडियो के लिए मोटे तौर पर आप अपनी आईज़ को आईने के सामने ओपन करके देखिए कि आपकी आईज़ का कितना एरिया विजिबल है। मींस कि आपका लिड स्पेस कितना दिख रहा है, आपका ब्राउ एरिया कितना दिख रहा है। यू कैन सी कि मेरा लिड एरिया काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और मेरी ब्राउ बोन भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, बट मेरी क्रीज जो है अंदर की तरफ चली जाती है जब मैं आईज को ओपन करती हूँ। इसका मतलब मेरी डीप सेट आईज हैं। अगर आपकी भी डीप सेट आईज हैं तो डेफिनेटली आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपका थोड़ा सा भी लिड एरिया दिख रहा है तब भी आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। टुडे आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट रोजे इन द एयर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रांजिशन कलर की। ट्रांजिशन कलर को हम अपनी क्रीज से ऊपर ब्लेंड करते हैं ताकि जब हम आईज ओपन करें वो शो हो सके, अदरवाइज उसको अगर आप अपनी क्रीज में ब्लेंड करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं जब हम आईज ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर ये ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ। एंड ऑलवेज स्टेप अप द एक्स्ट्रा गाइज, बिकॉज ब्रश पर बहुत ज़्यादा कलर लेकर उसे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद लेस प्रोडक्ट एंड मेक श्योर यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आईज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट जो है आपकी आईज के कॉर्नर्स में हो। बहुत ही हल्के हाथों से आप अपने ब्रश को विंडशील्ड वाइपर मोशन में चलाएं और धीरे धीरे इस कलर को ब्लेंड करें। इस कलर को बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड करें क्योंकि एक अलग से स्ट्राइप जब ट्रांजिशन कलर के दिखती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। इस कलर को हमें अपने बाकी कलर्स को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करना है। सर्कुलर मोशंस में भी आप इस कलर को ब्लेंड करें। ऑलवेज मेक श्योर कि आप ब्राउ बोन की तरफ से इसे अच्छे से ब्लेंड करें, कोई भी हार्श एजेस नज़र नहीं आने चाहिए। अब मैं अपनी क्रीज में कलर लगाऊंगी, उसके लिए मैं ये रस्ट ब्राउनिश कलर ले रही हूँ। यू कैन सी माई ट्रांजिशन कलर। अब मैं अपने क्रीज कलर को इस ट्रांजिशन कलर से थोड़ा सा नीचे ब्लेंड करूँगी क्योंकि मेरी क्रीज जो है अंदर की तरफ जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो मैं इस कलर को बिल्कुल यहाँ पर प्लेस करूँगी, मेरी क्रीज से थोड़ा सा ऊपर। इसके लिए मैं अपने ब्रश को 90 डिग्री के एंगल में रखूंगी और इसे अपनी क्रीज के अंदर लेकर जाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया था और ये पॉइंटेड भी है, इसलिए इजीली मेरी क्रीज के अंदर चला जाएगा और वहीं पर कलर को प्लेस भी करेगा और ब्लेंड भी करेगा। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, ये मॉर्फी का ब्रश है, बट आपको ईजीली मार्केट में इस तरह के ब्रशेस मिल जाएंगे जो कि पॉइंटेड हों। यू कैन सी कि ये कलर मेरी क्रीज में भी ब्लेंड हो रहा है और उससे थोड़ा सा ऊपर भी दिख रहा है जब मैं अपनी आईज ओपन कर रही हूँ। इस कलर को भी आप अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द फर्स्ट ब्लेंडिंग ब्रश और एक बार मैं इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस नहीं रहे और ये दोनों कलर्स आपस में ब्लेंडेड दिखें। अब इस आई लुक को स्मोक आउट करने के लिए मैं ये डार्क ब्राउनिश कलर ले रही हूँ।
और इसे मैं आईज के आउटर कॉर्नर्स में पैक करूंगी। इसके लिए ये पेंसिल ब्रश बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप डार्क कलर के साथ जब काम करते हैं तो छोटे स्ट्रोक्स में काम करें, छोटे ब्रशेस के साथ काम करें, ताकि वो कलर इधर उधर नहीं फैले और आई लुक जो है मैसी नहीं हो। सो मैंने धीरे धीरे इस कलर को बिल्डअप किया जितना मुझे स्मोकीनेस चाहिए। एंड मेक श्योर कि इस कलर को आप अपने आईज से बाहर नहीं लेकर जाएं। यू कैन सी कि जहाँ मेरा आईलिड खत्म हो रहा है, मैं वहीं पर इसे स्टॉप कर रही हूँ। अब इस कलर को ब्लेंड करने के लिए मैं सेकेंड ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। इसे मैं अपनी क्रीज में हाफ वे थ्रू तक लेके जाऊंगी, बहुत अंदर अपनी क्रीज तक नहीं लेके जाऊंगी। अब मैं ये गोल्डन शिमरी कलर ले रही हूँ और इसे अपने लिड एरिया पर लगाऊंगी। फिंगर से अप्लाई करने पर शिमरी कलर्स ज़्यादा अच्छे पिगमेंट देते हैं। ये शिमरी ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसे अपने लिड के सेंटर पार्ट पर लगाऊंगी। ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है इस तरह का ओम्ब्रे इफेक्ट, क्योंकि मैंने अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स में भी ब्राउन मैट कलर को ब्लेंड किया है, तो सेंटर लिड पर शिमरी कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इन दोनों कलर्स के एजेस को भी ब्लेंड करूंगी। ये जो हार्श लाइन दिख रही है, इसे मैं ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं एक बार फिर से अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ। पहले मैं कलर को पैक करूंगी और उसके बाद ब्लेंड करूंगी। इफ़ यू वॉन्ट, आप इस स्टेप के लिए ब्लैक मैट आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं इस लुक को सॉफ्ट रखना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम ब्राउन कलर ही ब्लेंड किया है। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करूँगी। मैं ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूँगी सेम ब्लेंडिंग ब्रश से, और इस कलर को बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं होना चाहिए ये कलर। मैं सेकंड क्रीज कलर को भी लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। और इसे लिड के कलर्स के साथ मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि दोनों आपस में कनेक्टेड दिखें। डार्केस्ट ब्राउन कलर को बिल्कुल अपनी लोअर लैश लाइन के पास पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये पेंसिल ब्रश है, काफ़ी प्रिसाइजली ब्लेंड करता है, इसलिए ये बिल्कुल मैं लोअर लैश लाइन के पास में ब्लेंड कर रही हूँ। यू कैन सी कि जिस तरह से ऊपर एक ओम्ब्रे इफेक्ट आया था लाइट टू डार्केस्ट, सेम इफेक्ट यहाँ मेरी लोअर लैश लाइन पर भी आ गया है। इसे भी मैं अपर लिड के कलर के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। अब मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर सेम लिड कलर पर जो गोल्डन यूज़ किया था, वही शिमरी कलर मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। आई एम अप्लाइंग ब्राउन आई पेंसिल इन माई वाटर लाइन। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप यहाँ पर आप काजल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आईज को थोड़ा और ओपन अप दिखाना है, तो आप यहाँ पर एक पीच कलर या स्किन कलर या वाइट कलर का आई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई शेडो पार्ट इज़ डन गाइज, आप चाहें तो इस लुक को एज इट इज़ कैरी कर सकते हैं, या लाइनर लगा सकते हैं, या स्मज काजल लगा सकते हैं,
मैंने यहाँ पर एक छोटा विंग लाइनर क्रिएट किया है और अब मैं अपनी लैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी लैशेस बहुत छोटी हैं इसलिए मैं फॉल्सेस भी लगाऊंगी। आपकी अगर लैशेस अच्छी हैं तो आप फॉल्सेस को टोटली स्किप कर सकते हैं। अब मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है और मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ। इस स्टेप को भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड हेयर आई एम कंप्लीटिंग माई फेस मेकअप। आई एम अप्लाइंग पैक हाईलाइटर, बहुत अच्छा हाईलाइटर है, मेरा फेवरेट है, स्किन टेक्सचर को बिल्कुल एनहेंस नहीं करता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको थोड़े से भी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें हेल्पफुल लगे होंगे, आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि आपको किस तरह से अपना आई मेकअप करना है। लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अगर इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप फेस मेकअप का भी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।